स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज हमारा जो ब्लॉग है वो है लंकापल्ली का और हम लोग यहाँ से लंकापल्ली जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग लंकापल्ली का पहले एक ब्लॉग बना चुके हैं जो कि बारिश के समय में हम जाने वाले थे और उस समय हुआ ये था कि जब हम ब्लॉग में पहुंचे वहाँ पे तो वहाँ पानी नाला इतना भरा हुआ था कि हम गाड़ी पार ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें आधे दूर से वापस आना पड़ा। मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा वो जगह कौन सा था। अभी फिलहाल ये हमारी टीम है और दो चार लोग अभी बाहर है, वो लोग भी रास्ते में मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से अपने बीजापुर से सफर को शुरू कर रहे हैं और यहाँ से अभी निकलेंगे सीधा घाटी होते हुए आवापल्ली और आवापल्ली से फिर आगे हमारा इमड़ी है ना, इमड़ी और इमड़ी से फिर हमारा लंकापल्ली का ब्लॉग होगा। तो हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए अपने ब्लॉग यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। लंकापल्ली का ब्लॉग में गए थे और आधे दूर से वापस आए थे, तो यहीं से हमारा सीधा चला जा रहा है रोड आवापल्ली की तरफ और यहाँ से हम सीधा सफर हमारा आवापल्ली का है। और इस ब्लॉग में भी आपको शॉर्टकट में थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप लोग एक बार वो हमारा जो लंकापल्ली का जो ब्लॉग है उसको आप एक बार जाके जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्योंकि उस समय बारिश का बहुत ज्यादा मौसम था, उसी समय हम लोग इस रूट में गए हुए थे और हमारी कुछ टीम आगे है, कुछ टीम जो है वो पीछे है। सब लोग आगे चल के धीरे धीरे साथ में मिल जाएंगे। अब यहाँ से हम अपने सफर को थोड़ा रफ्तार बढ़ाएंगे और निकलेंगे आगे की तरफ। तो चलिए अपने सफर को हम आगे लेके चलते हैं। इमड़ी से थोड़ा सा आगे आने पे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है लंकापल्ली, और ये लंकापल्ली का रोड है और पीछे हम इधर से आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लंकापल्ली लिखा हुआ है। लगभग 4.7 किलो यानी 5 किलोमीटर मान के चलिए यहाँ से और दूर है हमारा सफर। नदी है जो पिछली बार हम पार नहीं कर पाए थे। तो इधर नहीं जाना है अपने को, इधर जाना है। सकते हैं दोस्तों यहाँ से सीधा रोड नहीं जा रहा है, यहाँ से कट गया है रास्ता हमारा इधर की तरफ। हमारे टीम उधर देखिए आपको दिख रहा होगा, उधर जा रहे हैं सब और यहाँ से हमारा टीम जाएगा। अभी आपको रास्ता दिखाते चल रहे हैं।
अभी हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? फाइनली आप देख सकते हैं इस जगह पे हम लोग जहाँ पहुंचे हैं, यहाँ से गाड़ी का रास्ता ले जाने का देखिए किस प्रकार का है। बहुत मुश्किल से रास्ता पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी ये मौसम समझ लीजिए कि गर्मी का नहीं है, ठंडी का ही है, लेकिन यहाँ पानी का बिल्कुल मौसम नहीं है। तब जाके ये हाले गाड़ी आने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो बारिश में सोचिए जब पानी बहता होगा तब कितनी दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए जब भी आप यहाँ पे आएँ तो थोड़ा सा मौसम देख के आएँ। अब देखते हैं वहाँ हमें पानी मिलता है कि नहीं, झरने में पानी है कि नहीं हमें नहीं पता, आगे चलने के बाद ऊपर से पानी गिराएगा। अगर झरने में पानी नहीं रहेगा तो ये हमारा दोस्त ऊपर चढ़ेगा, वहाँ बोतल से पानी गिराएगा और तब शूट करके आपको दिखाएंगे, लेकिन झरने से पानी गिरता हुआ जरूर दिखाएंगे। ये सही बोल रहे हैं एकदम, जरूर दिखाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ा किया था वहाँ से हमें 1 किलोमीटर दूर तक आना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये भाई यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं यार। सो फाइनली हमारा लोकेशन यहाँ तक का है जहाँ तक गाड़ी आ सकती है, और फिलहाल देख सकते हमने बहुत पीछे, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, हमने अभी कुछ 200 या 300 मीटर का डिस्टेंस पर हमने गाड़ी रखा है, इतना भी दूर नहीं रखा है, और यहाँ तक गाड़ी आ सकती है। देख सकते हैं यहाँ पे थार आई है, ट्रैक्टर है, यहाँ पे कुछ बाइकें हैं, और यहाँ से लोग पैदल जाते हैं क्योंकि यहाँ से जो हमारा सफर है वो कुछ इस प्रकार का है। अब देख सकते हैं यहाँ से बाइक जाना पॉसिबल ही नहीं है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि रास्ते हमें कैसे जाने हैं, ये कोई बताने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है हमारा। हमारी टीम है जो ऊपर पहुंच चुकी है एकदम टॉप पे झरने के, और अभी हम लोग भी वहीं पे जाने वाले हैं, इनको तो ले जाना पॉसिबल ही नहीं है, तो हम ही लोग जाएंगे देखते हैं। बड़ा बड़ा मुश्किल टास्क है, साइड से चढ़ना है ऊपर की तरफ, ये पेड़ निशानी है, ये हमारा लंकापल्ली झरना। तो चलिए ऊपर चढ़ के देखते हैं, पहले यहाँ से देखिए कैसे चढ़ेंगे। आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं इस जगह से हम चढ़ के आए हैं, और ये प्रकृति का सपोर्ट दिया हुआ है, रस्सी लगा हुआ है, ये बहुत मजबूत है, यहाँ से आसानी से इसको पकड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं, और यहाँ से साइड से ही अब ये रास्ता ऊपर की तरफ गया हुआ है। अरे आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं इस झरने के, अभी टॉप पे जाना बाकी है, अभी ऊपर ये टॉप है हमारा, लेकिन अभी आधे दूरी पे आ चुके हैं। यहाँ पे अमापली के बच्चों को टूरिस्ट प्लेस के तौर पे यहाँ पे लेके आया गया है घुमाने के लिए, और ये देख सकते हैं आप वहाँ पे हमारे फैमिली है, वो देख सकते हो बैठे हैं लोग और वहाँ पे आराम कर रहे हैं। अच्छा यहाँ से, अब यहाँ से ऊपर, यहाँ से, ओ भाई साहब, आ जाओ हाथ धो क्या? अरे भैया उधर से रास्ता है क्या?
उधर से आया अपन तो एक लड़का लेकिन चढ़ा अभी ये अपने ब्लॉगर भाई चढ़ने में असफल हो रहे हैं बार बार। आप आ रहे हो? हाँ भाई। और भाई और वहाँ देखो एक होल है यार, यहाँ भाई आप देख सकते हैं जिस तरह से हम लोग आए थे यहाँ से भी कुछ ऐसा ही नजारा है। फिर आगे ए कितना दूर है यहाँ से झरना हो जैसे पता कैसे आगे में और पूछ सकते हैं। पानी आएगा ना भाई, जो पानी वहीं से तो आएगा। लंकापल्ली का नेक्स्ट झरना, वाह। एक और झरना है उससे भी बहुत भयानक। फाइनली आप देख सकते हैं लंकापल्ली का जो फर्स्ट झरना है जहाँ पे लोग आते हैं, इसके बाद वहाँ उसके वहाँ दूरी है सिर्फ। और यहाँ पे एक सेकेंड झरना है, ये छोटा है। यहाँ सबसे बड़ी खास बात है पानी इतना ज्यादा साफ है, सबसे नीचे पूरी चीज एकदम साफ साफ दिख रही है। और ये काफी ठीक है, हमको देखिए ब्लॉग में शूट हो रहा है, ये गंदगी फैला रहा है यहीं पे। बताइए क्या बोला जाए ऐसे लोगों को, क्या बोला जाए आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट जरूर करना। ये देखिए एक और बंदा, ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है लोग कर कह रहे हैं यहाँ पे। ये सफाई वाले जगह पे आके लोग गंदगी फैला रहे हैं। उधर से कोनिया मत चला जाए। और ये हमारी पूरी टीम आ चुकी है और बाकी टीम खड़ी है। ए रवि यार कितने रवि आ गए यार, इधर रवि इधर आ, एक रवि और आ ही गया। अरे भैया मेरा फोटो लो ना भैया, तुम्हारा मुद्दे में फोटो आ गया भैया। नहीं लेंगे भाई, अभी अपन यहाँ सुने। अभी हमारा जो ब्लॉग है वो यहीं पे खत्म होता है और ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था। इसके बाद हम रिटर्न लेंगे यू टर्न और वहाँ सीधा अपने घर जाने वाले हैं। सबसे पहले नहाएंगे, नहाने का छोड़ो बाद में देखा जाएगा, बस ये लास्ट स्टेज था। यहाँ पे हमारी बैठे हुए हैं खड़े, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? काफी अच्छा बेहतरीन नजारा है, तो आप लोग आइए और घूमिए और एंजॉय। और कोई कुछ कहना चाहेगा? चलिए अपने इस ब्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं, यहाँ से अब निकलते हैं।